सर्वप्रथम सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। NAS फॉर्म को लेकर 21/1/2021 को एक आदेश आया था, जिसके अंदर विषय है पूर्व NAS 2021 तैयारी में शिक्षकों के क्षमता संवर्धन हेतु आमुखीकरण पश्चात किए जाने वाले कार्य हेतु, यानी कि हमें नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है उसके तहत एक परफॉर्मा भरना है। ये फॉर्मेट जो है वो सभी शिक्षकों को भरना है। इसके अंदर देखिए क्या करना है, सीखने के प्रतिफल यानी रनिंग आउटकम्स और पाठ्यपुस्तक और चेकलिस्ट यानी उसका मूल्यांकन भी आपको करना है। तो नाम विद्यालय का, जिले का नाम, ब्लॉक, PO का नाम, विषय और कक्षा। अब देखिए इसको कैसे भरना है। सबसे पहले क्रम संख्या आ गई और सीखने के प्रतिफल यानी कि जो भी आपने लेसन और चैप्टर करवाया है तो बच्चे ने उससे क्या सीखा है, वो आ गया सीखने के प्रतिफल जो आपको चेकलिस्ट में शुरू में मिल जाएगा। दूसरा है पाठ्यपुस्तक का संदर्भ, अब कौन सी पाठ्यपुस्तक में से ये सीखने का प्रतिफल है जो कि प्राप्त किया गया है। उसके बाद पाठ का नाम लिख दीजिए, पाठ नंबर भी लिख दीजिए कौन सा पाठ है, और उसके बाद पेज नंबर भी हो जाएगा। चेकलिस्ट यानी मूल्यांकन करना है, संकेतक, सहरेखन। तो इस प्रकार आप इस फॉर्मेट को भर सकते हैं। यहाँ पे 5 प्रतिफल दिए गए हैं, तो आप ज़्यादा बनाने के लिए अलग परफॉर्मा भी तैयार कर सकते हैं और नीचे विद्यालय का नाम। सभी कक्षाओं के NAS फॉर्म एग्जाम्पल द्वारा यहाँ बता दिए जाएंगे। अध्यापक ग्रुप बनाया गया टेलीग्राम, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उससे जुड़े रहें, चैनल से जुड़े रहें ताकि सभी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।